हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लेट्स स्टार्ट टुडे और क्लास एंड यू नो और रनिंग चैप्टर इज और रनिंग चैप्टर इज ऑन माय ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ राइट ये हमारे चैप्टर की जो पोएम है मिन्स इसका टाइटल था ऑन माय ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ राइट इसमें हमने पेज नंबर वन हंड्रेड सेवन तक कंप्लीट कर लिया है राइट right? पेज नंबर वन हंड्रेड सेवन तक हम प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं तो बेटा आपको आपका टेक्स्ट बुक ओपन करना है टेक्सट बुक का पेज नंबर वन हंड्रेड एट ओके पेज नंबर वन हंड्रेड एट आपको ओपन करना है सो ओपन ओपन इट फास्ट, फास्ट करिए और पेंसिल इरेजर एंड शॉर्पनर लेकर आपको एवरीडे आपके क्लास के टाइम पर अपनी बुक जिस सब्जेक्ट का आपका क्लास है उस सब्जेक्ट की बुक प्लस पेंसिल इरेजर एंड शार्पनर लेकर आपको क्या करना है बैठ जाना है और आपका जब क्लास स्टार्ट होता है तब आपको फिर आपके टीचर्स जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे आपको फॉलो करना है ओके हमें पेज नंबर वन हंड्रेड वन वन हंड्रेड एट सॉरी पेज नंबर वन हंड्रेड एट ऐसे राइट करते हैं बोला जाता है 108, राइट ना? आप सभी को काउंटिंग तो आती ही होगी राइट देन है यूजिंग द पिक्चर्स एज क्लूज फील इन द ब्लैंक्स हमें क्या करना है पिक्चर्स यहाँ पर क्लूज के रूप में दी है क्लू के फॉर्म में पिक्चर्स दी है तो हमें इन पिक्चर्स की हेल्प से ब्लैंक्स को फील करना है ओके फर्स्ट इज ये पिक्चर द पिक्चर केयरफुली एंड टेल मी डियर स्टूडेंट्स ये किसका पिक्चर है हनी बी बी जो होती है ना जिसे हम मधुमक्खी बोलते हैं राइट तो ये बी का पिक्चर है तो इसमें हमें राइट करना है ही इज एज बिजी एज बी मीन्स ये किसके जैसे बिजी है बी के जैसे मीन्स जो मधुमक्खी को आपने देखा होगा कि ऑलवेज वो क्या होती है बिजी होती है मीन्स हमेशा वो बिजी होती है मतलब वर्क करते रहती है फ्लावर्स पर बैठती है वहाँ से नेक्टर स्टोर करती है नेक्टर मीन्स जो फ्लावर का जूस होता है फ्लावर्स का जो रस होता है वो स्टोर करती है और कहाँ पर ले जाती है अपने हाव में उसका जो छाता होता है ना उसमें क्या करती है वो नेक्टर स्टोर करती है जिसे हम क्या बोलते हैं हनी हनी बोलते हैं ना शहद तो किसके जैसे बिजी बी के जैसे बिजी देन सेकेंड इज एज एज टॉर्टोइज किसके जैसे स्लो टॉर्टोइज के जैसे स्लो या फिर हम यहाँ पर स्नेल भी राइट कर सकते हैं क्या राइट कर सकते हैं स्नेल स्नेल मीन्स होता है घोंगा ओके okay, तो आप यहाँ टोटोस के प्लेस पर स्नेल राइट कर देंगे एल आएगा लास्ट में मैं यहां फिर से स्पेलिंग राइट कर दे रही इससे कट करके आपको स्नेल ओके okay? देन है दिस पेन इज एज लाइट एज ओ लाइट मीन्स हल्का किसके जैसे हल्का फीदर सॉरी दिस इज पिक्चर ऑफ फीदर फीदर के जैसा लाइट मीन्स पंख के जैसा लाइट जैसे आपने किसी भी जो है बर्ड्स का अगर फीदर देखा होगा पंख देखा होगा और जब उसे अपने हाथ में लिया होगा तो कैसा होता है एकदम लाइट वेट होता है उसका एकदम हल्का होता है तो उसे किसके साथ कंपेयर किया जाता है जैसे हमें कोई बोलना है कि उसके जैसा हल्का है तो हम क्या बोल सकते हैं एज लाइट एज फीदर फीदर की जैसा एज लाइट एज फीदर फीदर की जैसा हल्का पंख के जैसा हल्का राइट देन है माई हेयर एज ब्लैक एज स्का नाइट स्काई के जैसे ब्लैक ओके देन है एस्क योर फ्रेंड टू एस्क मीन्स होता है पूछना तो अपने प्रेम फ्रेंड से पूछना है आपको क्या पूछना है कीप हिज माउथ वाइड ओपन उसे बोलना है कि आप अपने माउथ को कैसा रखो वाइड ओपन मतलब ऐसा जैसे हम पूरा माउथ ओपन करते ना लाइक दिस सी पिक्चर जैसे पिक्चर में दिखा एकदम से पूरा अपना जब मुंह हम वाइड करते हैं फैलाते हैं देन कीप हिज माउथ हाफ सेट अब आपको आपके फ्रेंड को कहना है कि अब वो अपने माउथ को क्या करे हाफ शट करे हाफ मीन्स होता है आधा हाफ मींस ना एंड शर्ट मींस होता है बंद करना मीन्स आपको अपने माउथ को कैसे कितना ओपन रखना है हाफ यहां पर जैसे है हमने पूरा माउथ ओपन किया है इस बॉय ने पूरा माउथ ओपन किया अब इसमें क्या करना है उसका हाफ करना है आधा ओके okay. एंड लास्ट केफ इज माउथ फुली सट अब आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि आप क्या करो अपने माउथ को फुल्ली सेट कर दो मीन्स पूरा का पूरा बंद कर दो लाइक दिस ऐसे ओके देन है आस्ट सम टू क्लोज द डोर यूजिंग द वर्ड्स वाइट ओपन हाफ शर्ट एंड फुली शर्ट अब आपको क्या करना है आस्क समलोज द डोर यूजिंग द वर्ड्स अब आपको कहना है कि क्लोज द डोर यूजिंग द वर्ड्स क्लोज द डोर वर्ड का यूज करके आपको ये कहना है पूछना है वाइट ओपन हाफ शर्ट एंड फुली शर्ट ओके okay. ये था बेटा आपका पेज नंबर वन हंड्रेड एट इसमें आपको ये फिल करना है ओके okay. हम ओपन करेंगे पेज नंबर पेज नंबर वन हंड्रेड नाइन एंड इन पेज नंबर वन हंड्रेड नाइन फाइंड द राइट सेंटेंस फाइंड द राइट सेंटेंस हमें क्या करना है फाइंड मीन्स ढूंढना राइट मीन्स सही जो सही सेंटेंस है राइट right सेंटेंस है उसे फाइंड करना है ओके okay. तो रीड द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो फिल इन ब्लैंक्स इन द सेकंड सेंटेंस विद द अपोजिट ऑफ द वर्ड इन रेड हमें क्या करना है जो सेंटेंस दिए हैं इन्हें केयरफुली रीड करना है देन आफ्टर इसमें जो रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ वर्ड है हमें सेकेंड सेंटेंस में इस वर्ड का अपोजिट वर्ड यहाँ राइट करके इस ब्लैंक को फिल करना है ओके डू यू अंडरस्टूड डू यू अंडरस्टूड आपको समझ आया क्या करना है हमें मीन्स एट फर्स्ट तो हमें सेंटेंस रेड करने हैं देन आफ्टर फर्स्ट सेंटेंस में जो ये रेड कलर से वर्ड राइट किया है हमें इसका अपोजिट वर्ड राइट करना है अपोजिट मीन्स उल्टा राइट right? जैसे होता है ना डे का नाइट डे मींस दिन तो इसका अपोजिट नाइट राइट right? हैपी का शेड हैप्पी मीन्स खुश शेड मीन्स दुखी राइट सन का अपोजिट मून है ना तो ऐसे ही यहां पर जो रेड कलर से वर्ड दिया है इसका अपोजिट वर्ड हमें इस ब्लैंक में फिल करना है फर्स्ट सेंटेंस इज द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट मीन्स ये बॉय बहुत फास्ट रन कर रहा है दौड़ रहा है तो यहाँ पर आप केयरफुली जब देखेंगे तो ये फास्ट वर्ड रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है मीन्स ये ऑल वर्ड ब्लैक कलर से राइट किया है बट ये वन वर्ड ही रेड कलर से राइट किया है मीन्स हमें इस वर्ड का अपोजिट वर्ड यहाँ राइट करना है तो राइट करेंगे हम द बॉय इज वॉकिंग वेरी स्लो क्या राइट करेंगे द बॉय इज वॉकिंग वेरी स्लो फास्ट का मतलब होता है बहुत तेज एंड स्लो का मतलब बहुत धीरे मतलब धीमे धीमे ओके okay? तो हमने यहाँ राइट किया है फास्ट का अपोजिट स्लो राइट फास्ट इसे राइट कर लीजिए ये स्पेलिंग है एस एल ओ डब्ल्यू स्लो देन नेक्स्ट इज द क्लाउन इज वेरी हैप्पी तो इसका अपोजिट राइट करेंगे हैप्पी का सैड जस्ट बिफोर मैंने आपको बताया हैप्पी का अपोजिट सैड ओके द क्लाउन इज वेरी सैड देन नेक्स्ट इज द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ लूज रोप लूज मीन्स क्या होता है ढीली लूज मीन्स ढीली जैसे हम कुछ कहीं पर हमें कुछ नोट लगानी होती है मतलब जैसे बांधना होता है तो कभी हमसे जो है नोट लूज लग जाती है कभी टाइट तो जो लूज है उसका अपोजिट होगा टाइट द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप ये जैसे कि कैसी है अभी लूज है ये रोप कैसी है लूज है मीन्स ढीली है अगर यही ये रोप जो है टाइट होगी तो कैसी होगी एकदम ऐसी स्ट्रेट एकदम टाइट जो है बंधी हुई होगी ओके तो लूज का अपोजिट है टाइट ओके okay. ये पेज नंबर वन हंड्रेड नाइन में आपको फिल करना है आफ्टर पेज नंबर वन हंड्रेड टेन पेज नंबर वन हंड्रेड टेन आपको ओपन करना है एंड इन पेज नंबर वन हंड्रेड टेन चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिंग ई एस आई ई एस एंड वी ई एस हमें सिंगुलर टू प्लूरल मीन्स हमें सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना है चेंज करना है ओके okay? तो इसके लिए हमें वर्ड में ई एस आई ई एस एंड वी ई एस लगाकर प्लूरल फॉर्म बनाना है ओके फॉर एग्जाम्पल बफेलो 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 का प्लूरल होगा बफेलोज बफेलो का प्लूरल बफेलोज बफेलो मीन्स वन बफेलो बफेलो मीन्स क्या होता है भैंस बफेलो मीन्स भैंस ओके okay, ये एनिमल है ये एक डोमेस्टिक एनिमल है जिसे क्या किया जाता है होम में डोमेस्ट किया जाता है किस लिए मिल्क के लिए बफेलो क्या देती है मिल्क देती है राइट right ना तो बफेलो मींस वन बफेलो एंड बफेलोज़ मींस मैनी बफेलोज़ मींस वन देन मोर एक से अधिक जब आ जाएगा तो उसमें उसे हम प्लूरल फॉर्म बोलते हैं तो इसमें ई एस लग जाएगा देन हीरो हीरो का होगा हीरोज पटेटो पटेटो मीन्स वन पोटेटो आलू जिसे बोलते हैं है ना बटाटा पोटेटोज इसका हो जाएगा पटेटोज ओके मीन्स मैनी पोटेटोज देन है बेबी बी ए बी वाई बेबी बेबी मीन्स क्या होता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना एकदम स्मॉल स्मॉल उन्हें क्या बोला जाता है बेबी राइट right? तो बेबी का प्लोरल फॉर्म होगा बेबीज इसमें ई e एस न लगकर वाई को रिप्लेस करके आई ई एस लगाया जाता है ओके okay? वाई को यहां से कट कर देते हैं जिन भी वर्ड के लास्ट में वाई होता है तो उसके प्लेस में वाई को वहां से हटा दिया जाता है रिमूव कर दिया जाता है एंड उसके प्लेस पे आई ई एस वर्ड लगाकर प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ओके तो यहाँ पर बेबी का प्लूरल फॉर्म होगा बेबीज मीन्स यहाँ से वाई को कट कर दिया हमने देन क्या लग, क्या ऐड कर दिया इसमें आई ई एस ये हो गया बेबीज देन फ्लाई एफ एल वाई फ्लाई फ्लाई मीन्स उड़ना तो इसका प्लूरल होगा फ्लाइज एफ एल आई ई एस फ्लाइज ओके देन लेडी लेडी किसे बोला जाता है न को ओके लेडी मीन्स वन लेडी अब हम इसे प्लुरल में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से वाई को रिमूव कर देंगे देन इसके प्लेस पे आई ई एस एड कर देंगे ओके okay? देन है नाइफ देन नाइफ नाइफ में की साइलेंट होता है नाइफ का स्पेलिंग क्या है के एन आई एफ ई राइट तो अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग ये क्या होना चाहिए इसका प्रोनाउंशियशन कनाइफ कनाइफ राइट बट इसे हम कनाइफ बोलते हैं क्या नो no, इसे क्या इसका प्रोनाउंशियेशन क्या किया जाता है नाइफ एन आई एफ ई नाइफ तो इसमें जो ये के होता है ये के साइलेंट होता है ओके okay? तो ये है नाइफ के स्पेलिंग नाइफ मीन्स चाकू छुरी जिसे बोलते हैं जिससे हम वेजिटेबल्स कट करते हैं राइट तो इसका प्लूरल फॉर्म होगा नाइव्स मीन्स यहाँ पर एफ ई एफ ई को रिमूव करके इसके प्लेस पे ई वी एस ई वी एस एड कर दिया जाता है और प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ये ओके तो ये नाइफ का होगा नाइव वॉल्फ ऑल्फ इसमें भी एफ को रिमूव करके इसके प्लेस पे वीई एस एड कर देंगे तो ये हो जाएगा वॉल्व ओल्फ मीन्स होता है भेड़िया राइट ये एक कॉनिवर्स एनिमल है वाइल्ड एनिमल तो इसका प्लोरल फॉर्म होगा वॉल्स। देन लोफ लोफ का लोस, इसमें भी एफ को रिमूव करके वी एस कर एड कर देंगे लोफ मींस होता है रोटी ओके तो बेटा आप इसे फास्टली अपनी बुक में फिलअप कर लीजिए पेंसिल इरेजर आपके पास है ओके इसे आप फिल कर दीजिए देन आफ्टर है फन टाइम फन टाइम एंड इन अ फन टाइम फन टाइम में है कैन यू क्राउल लाइक अ बेबी क्राउल 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 क्या आप बेबी के जैसे क्राउल कर सकते हैं क्राउल की मीनिंग आपको बताया था मैंने क्राउल मीन्स रेंग ना जैसे छोटा बेबी ऐसे ही रेंग रंगता है ना क्राउल करता है तो इसमें फन टाइम में है कैन यू क्राउल लाइक अ बेबी क्या आप बेबी के जैसे क्राउल कर सकते हैं क्राउल 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 तो आपको ये एक्टिविटी होम में करनी है आपको क्राउल करना है मीन्स आपको कुछ समय के लिए बेबी बन जाना है बच्चा बन जाना है सेवन टू एट मंथ का और वो जैसे क्राउल करता है रांगता है वैसे ही आपको भी एक्टिविटी करनी है ओके बेटा देन है कैन यू हॉप लाइक अ ग्रासोपर क्या आप ग्रासोपर के जैसे हॉप कर सकते हैं ग्रासोपर मींस देखा है आपने ग्रासोपर जो ग्रास के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन घास होती है ना उसके ऊपर एक इंसेक्ट होता है कीड़ा होता है उसे बोला जाता है ग्रासोपर तो आपने उसे देखा होगा वो कैसे हॉप करता है तो क्या आप उसके जैसे हॉप कर सकते हैं आपको ये भी एक्टिविटी करनी है हॉप करके देखना है आपको हॉप करके दिखाना है ये एक्टिविटी आप अपने पेरेंट्स के सामने कर सकते हैं फिलहाल राइट देन है कैन यू झूम लाइक एन एरोप्लेन क्या आप एरोप्लेन के जैसे झूम कर सकते हैं ऐसा तो काफी सारे स्टूडेंट करते भी होंगे मतलब एकदम से आप झूम 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 करके ऐसे रन करते हैं ना थोड़ा अपनी दोनों हैंड्स को ऐसे क्या करके फैला के फिर ऐसे ऐसे एरोप्लेन के जैसे जैसे एरोप्लेन होता है तो उसके ऐसे टू विंग्स होते हैं दोनों साइड्स होती है ना तो वैसे अपने हैंड को फैलाना है और झूम करके ऐसे राउंड करना है ओके तो ये एक्टिविटी बेटा आप अपने होम में करेंगे ओके आपको ये आज के होमवर्क में आपको ये एक्टिविटीज करनी है ऐसे क्राउल करना है क्राउल करना है हॉफ करना है एंड एरोप्लेन के जैसे झूम करना है ओके देन आपको ये सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स फिलअप करने हैं देन इस पेज में आपको अपोजिट वर्ड्स राइट करने हैं एंड इन दिस पेज आपको ये ऑल फिल करने हैं, ओके okay, तो बेटा टुडे इज़ योर होमवर्क आज का आपका होमवर्क है फ्रॉम पेज नंबर वन हंड्रेड एट पेज नंबर वन हंड्रेड एट टू वन हंड्रेड टेन वन हंड्रेड एट वन हंड्रेड नाइन एंड वन हंड्रेड टेन ये थ्री पेजेस आपको अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करने हैं नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में ओके एंड बिफोर फाइव पी एम आपको ये वर्ड सबमिट करना है ओके बेटा बिफोर फाइव पी एम आपको ये वर्क सबमिट करना है एंड एवरी डे आप सभी को क्लासेस अटेंड करनी है ओके दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू